न कोई बोल जब पाए तो कविता बोल देती है न कोई बोल जब पाए तो कविता बोल देती है अंधेरों में ये खिड़की रोशनी की खोल देती है ये ताकत भी है कविता में अगर सचमुच वो कविता है आदमी में जिंदगी सी घोल देती है नमस्कार हम मनोज भाऊ व्यांजलि में एक बार फिर और स्वागत करता नहीं अभिनंदन नहीं अभी जोन हम मुक्तक सुनैनी है जोन रचना सुनैनी ओकर रचयिता ओकर कवि यानी कि मरत आदमी घुटत आदमी टूटत आदमी उदास आदमी हताश आदमी निराश आदमी छटपटात आदमी के जिंदगी में आशा के उम्मीद के खुशी के अमृत घोले वाला शायर डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी आज के काव्यांजलि में शिरकत के लिए बनी वहां के बहुत बहुत स्वागत पा जोरदार ताली के साथ वहां के स्वागत तैयार डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बहुत तो बहुत तो स्वागत तो आसन जहाँ और डॉक्टर साहब आपके साथ दो और हीरे हैं आज की महफिल में गहमर गाजीपुर उत्तर प्रदेश जो कि एशिया का सबसे बड़ा गांव है वो सैनिकों का गांव है हर घर से वहाँ एक एक सैनिक है लेकिन अभी मैं किसी सैनिक को नहीं बुलाने जा रहा हूँ मैं एक शायरा को आवाज़ दे रहा हूँ जिनका नाम होता है सुप्रिया सबनम एक बात जोरदार तालियों के साथ सुप्रिया क्या हाल है ये बताइए कि आप सबनम कब से हो गए <laughs> जब से बड़ी हुई सबनम हो गई क्यों हो गई सबनम सूट करता है मेरे ऊपर अच्छा चलिए और देखेंगे कि आप पर क्या क्या सूट करता है आप अपना आसन ग्रहण करें डॉक्टर साहब आप दोनों के बीच जिस कवि को मैं आमंत्रित कर रहा हूं उनका नाम है सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है वर्मा जी देखें। 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 हाथ तो तबियत से जब एकदम गला से गला घूम जाएगा तो मज़ा नहीं आता गलते नहीं है तो, तो गलते नहीं है चलिए आपके आने से हमारी महफिल में हाथ से फूटेगा और जानते हैं कि हाथ से सबसे बड़ा टॉनिक है, है हम बाद में बात करेंगे कि आप तुरंत कैसे हुए लेकिन अभी आपसे निवेदन करेंगे कि तुरंत जाकर आप कैसे तो चलिए काव्य पाठ शुरू कर जाओ और सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि आपका आशीर्वाद लिया जाए यह सौभाग्य है काव्यांजलि का और आज के एपिसोड का किस महफिल में डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी हैं गीत गज़ल के सशक्त हस्ताक्षर और दुनिया के तमाम देशों में अमेरिका और यूरोप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वो गए हैं काव्य पाठ के लिए आकाशवाणी दिल्ली के निदेशक रहे मैं बड़े आदर के साथ वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी मैं गजल पाठ करूं उसके पहले आपको कुछ आधुनिक दोहे सुनाता हूं जी आधुनिक संदर्भ हैं दोहे भी आधुनिक हैं स्वागत स्वागत जी पहला दोहा यू है कि इंटरनेट से वो करे दुनिया भर में बात इंटरनेट से वो करे दुनिया भर में बात, बात। रहता कौन पड़ोस में उसे नहीं है क्या रहता कौन पड़ोस में उसे नहीं, 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 नहीं है ज्ञात और एक दुहा यह है कि कहे फेसबुक मित्र है मेरे तीन हजार है हाँ। मेरे तीन हजार काम ना आता एक भी जब पड़ता बीमार भी <laughs> और एक गजल के कुछ शेर आप सुनिएगा मतलब यू है कि टूटते लोगों को उम्मीदें नहीं देते हुए कि टूटते लोगों को उम्मीदें नहीं देते, देते हुए लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते, देते हुए और वो शेर जिसकी वजह से गजल हुई कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी याद पर बस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए कि मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए और तिरगी अंधेरा शेर सुनेगा कि आज के इस दौर में मिलते हैं ऐसे भी चराग कि आज के इस दौर में मिलते हैं ऐसे भी चराग रोशनी देने के बदले तीरगी देते, देते हुए रोशनी देने के बदले तीरगी दे दे देते दे हुए और गजल का अंतिम शेर एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना चांद बूढ़ा हो, हो चला है चांदनी देते हुए चांद बूढ़ा हो चला है चांदनी देते हुए टूटते लोगों को उम्मीदें नहीं देते हुए लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देता डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सकारात्मक गज़ल और माँ की बात कर रहे थे कि याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी मोमबत्ती को पिघलकर कर रोशनी देते हुए से सुनने के बाद माँ लगता है सामने खड़ी हो जाती है डॉक्टर साहब भोजपुरी के कुछ शेर हैं माँ पर मैं अपना कुछ शेर सुना रहा हूँ जी स्वागत कि हजारो गम्मी रहे ले माई हजारो माई तबो न कुछ कहे ले माई क्या हाँ हमार बबुआ फरे फुलाए यह मंत्र पढ़े ले माई अरे आ हमार कपड़ा कलम अ कापी हाँ? हमार कपड़ा कलम अ कापी सैंत सैंत के धरेले माई अब बनल रहे घर बनल रहे घर बटे न आंगन यही से सब कर सहेले मोहब्बत अरे वाह वाह बहुत बढ़िया और बहुत। नजर के कांटा कहे नहीं रहुआ रहुआ आ, मतलब आ, आप कि नजर के कांटा कहे नहीं रहुआ आ, मुझे आप नजर का कांटा कहते हैं नजर के कांटा कहे नहीं रहुआ जिगर के टुकड़ा कहेले ले अरे वाह वाह और मनोज मनोज हमरा हिया में हरदम मनोज हमरा हिया में हरदम खुदा के जैसन रहेले ले भाई। बहुत खुदा के जैसन बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा आपने कुछ दोहे कहे और फेसबुक की बात की इंटरनेट की बात की तुरंत साहब ये आभासी दुनिया है फेसबुक की बात की तो इसमें अजब गजब करामात होते रहता है एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा आपसे एक बात कहूँ तो बोले हाँ बोलो क्या बात है तो पापा फेसबुक पर आपने कहा ना तीन हज़ार मित्र हैं और बीमार पड़ने पर कोई नहीं पापा फेसबुक पर मेरे दस अकाउंट हैं <laughs> पढ़ना लिखना तो है नहीं यही दिन रात करते रहते हो <laughs> तो अकाउंट तो होगा ही लेकिन मुझे क्यों बता रहे हो बोलो पापा वो ये बात नहीं बात ये है कि आप जिस सावित्री भाभी को पार्क में बुलाते हैं और मना कर रहे हैं वो अकाउंट मेरा ही है <laughs> 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 मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं और बेर खा करके छुहारों का बजा <laughs> लेते